दोस्तों नमस्कार, आपका अपना श्रवण हमारे बाबूलाल जी। हम केवल कहते नहीं है, काम करते हैं। रात के 10 बजे हुए हैं, 4 जुलाई की रात है, 17 जुलाई को नीट के एग्जाम है। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सारे फिजिस्ट मेरे साथी डाउट काउंटर लगे हुए हैं। ये हमारे पवन गुप्ता सर। बेटा आप लोग कहाँ के हो? आप माही टाक, आप तो 12वीं के साथ, आपका क्या नाम है? ये देखो, ये हमारे पवन गुप्ता सर हैं और ये बाकायदा डाउट काउंटर पे लगे हुए हैं बच्चों के साथ, 10 बजे हुए हैं। ये हमारे महावीर सर हैं जो अभी इस साल हमें ज्वाइन किया है, हमारे पुराने साथी रहे हैं। आप कहाँ के हो बेटा? सीकर के। सर कैसा लग रहा है डाउट काउंटर पे इस समय? एक शिक्षक होने का मजा आ रहा होगा ना, कि हम टीचर हैं, है ना। ये देखें दोस्तों, मैं सबसे मिलवाता हूँ, बिल्कुल। ये देखें, ये पूरे हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, बाबूलाल जी नेतृत्व में काम चल रहा है। ये हमारे किशोर सर हैं। हाँ किशोर सर, रात को 10 बजे कैसा काम कैसा लग रहा है? बॉस, ये जो काम है वो दुनिया से अलग करेगा, और ये काम हमें शिक्षक होने का धर्म बताता है कि हम पेड़ सर्वेंट नहीं है। आप कहाँ से है बच्चा? जयपुर से है। ये देखो, अब हमारे चलते हैं हमारे हमारे पुराने साथी भोड़ा जी के पास, हमारे सीनियर के सीकर सीएलसी के मजबूत। भोड़ा जी, क्या आप इसके बारे में क्या कर, आप 15 साल से इस फील्ड में है, इस साल की तैयारी में क्या करना चाहते हैं? ये बिल्कुल हम लोग यही मैसेज देंगे दोनों भाई आपको, लास्ट में क्वेश्चन रखना है, अच्छा करना है। थैंक यू। और कोई और एक लाइन बच्चों के लिए कोई? बस लग रहो बच्चों, लग रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखो हमारे सवदेश अग्रवाल से, बहुत युवा टीम के प्लेयर है। सवदेश कैसा लग रहा है आपको इस समय रात को यहाँ बैठ के काम करने में? बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सारे आपको लग रहा है कि हम शिक्षक है ना, आज के जमाने के पेड़ सर्वेंट नहीं है हम लोग। ये देखो हमारे बच्चे हैं, सब डाउट पूछ रहे हैं, और ये बाकायदा इस साल के हमारे पेपर्स और इन सब पे बच्चे, ये हमारा PYQ है, इसमें तो पकड़ना बेटा, ये हमारी PY की बुक है 2013 से 2021 तक के बच्चे लगे हुए हैं। और कोई मैसेज बच्चों के नाम? एक सर, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, जो काम आपसे हो रहा है सीएलसी में पिछले 4 महीने में, जो काम हुआ उसके बताए थोड़ा सा, अपना नाम बताए पहले आप, अपना नाम। कहाँ के हो पायल बेटा? कौन सा गाँव है? खेतड़ी से। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स इस समय, जब कोचिंग वाले भूल जाते हैं, बच्चों छोड़ देते हैं, वहाँ रात भर हम लोग जग रहे हैं? मैं 6th क्लास से यहीं से। 6th से पढ़ रहा? और तेरी क्या बात है, 6th क्लास से बच्चे पढ़। अब हम आपको देखो ले चलते हैं हमारे एक और बहुत ही प्यारे डायनेमिक पर्सनैलिटी के पास, ये हमारे चाष्टा जी हैं। चाष्टा सर कैसा फील हो रहा है रात को 10 बजे आप जग रहे हैं बच्चों के लिए, क्या फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बेटा आप कहाँ से हो बच्चे? हरियाणा से हो। चाष्टा सर कोई मैसेज बच्चों के नाम? बस झुकना अपने आप को, जो 15 दिन है उसको अपने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। 350 लोग लाइव पे, हमें 350 लोग लाइव देख रहे हैं। मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगा चाचा सर को, कि ये रात को जो काम है ना, ये हमें शिक्षक पढ़ाता है, खुशी दिख रही है। कोई बेटा विशेष बात आप क्या कहना चाहते हैं सीएलसी के बारे में? आप अच्छे सर, एक तो मुझे यहाँ की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। 17 का एग्जाम है, 12, 4 तारीख की रात को हम लोग जग रहे हैं। मैं तो जितने ही देखता हूँ पूरी टीम जग रही है आपके साथ। सब खुश है? हैप्पी हैप्पी। हाँ सर, और रात को सर यहाँ पे डाउट टीचर हमारे लिए थे, तो देखो ये सब वही बच्चे हैं जो पेपर पकड़ा इनको, ये हमारे DCM के पेपर है, इनके एक एक किस्म बच्चे निकाल रहे हैं। ये हमारा PYQ है, ये इको फिजिक्स है, दिखाना बेटा, ये इको फिजिक्स का मैटर है, पकड़ना इसको बेटा, ये इको फिजिक्स का मैटर है जो बच्चे निकाल रहे हैं। कोई PYQ निकाल रहे हैं, कोई इको फिजिक्स निकाल रहा है, वो पूरा 3 दिन कैंप अपना, क्यों 3 दिन अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं, आगे देखो पूरी टीम लगी हुई है, रात को 10 बजे हुए हैं बहुत सारे दोस्तों मेरे साथियों की, सुबह 7 बजे क्लास भी है। ये CLC है, इस इंडस्ट्री में जो लोग वास्तव में बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं उनको जुड़ना चाहिए। गौरीशंकर सर कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा। आपने पहले बहुत संस्थाओं में पढ़ाया, उनमें CLC में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? यहाँ पे केयरिंग बहुत ज्यादा होती है। आप लोग पर कहाँ के हैं, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं तो कानपुर से हूँ। क्या बात है, आपको अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। हमारा 3 दिन केमिस्ट्री का फिजिक्स का है, स्टार्ट केमिस्ट्री का हो जाएगा। आप कहाँ से हो बेटा? हरियाणा स्टेट है। महेंद्र कैसा लग रहा है आपको? कोई विशेष मैसेज देना चाहिए बच्चों के नाम आप, मतलब जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनके लिए?
थैंक यू। आप कहाँ के हो बेटा? चलो ये देखो बच्चे लगे हुए हैं। अब हम हमारे बाबूलाल जी हैं, ये तो मेंटर हैं हमारे, ये हमारे भागवत सर हैं, ये हमारे बहुत एक उमदा प्लेयर हैं अपने सब्जेक्ट के। भागवत सर क्या कहना चाहेंगे? रियल में लग रहा है कि हम बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं, रात के दिन आराम से सो पाएंगे, छह से सो पाएंगे। क्या बात है, क्योंकि हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। बच्चों के लिए जी रहे हैं, क्या बात है, इसलिए बहुत मजा आ रहा है। आप कहाँ के बेटू? क्या कहना चाहते हैं आप? जो डाइट के हम लग रहा है डाउट काउंट, क्या कहना चाह रहे हैं अभी आप? एग्जाम के 10 दिन पहले का प्रेशर आपके ऊपर कोई? थोड़ा बहुत है, लेकिन टीचर्स सब बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ के हो बेटा? अलवर से हो। ये हमारे बिल्कुल सर कैसा लग रहा है आपको? ये हमारी टीम के बिल्कुल नए प्लेयर हैं जो डाउट काउंट लगे हुए हैं, ये देखो बिल्कुल। और बताएं बेटा, चलो चलो भी। हाँ भाई जय सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको बच्चों को डाउट बता के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ के हो बेटा? झुंझुनू से। आप कहाँ से हो? चूरू से, नागौर से। सब लोग देखो लगे हुए हैं, ये हमारे एक और नई टीम। सर अपना नाम बताएं। प्रदीप चावल। कहाँ से हो सर आप? कोटा से। आप फिजिक्स में अभी जो सीएलसी को, क्या कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे एक और नए साथी जुड़े हैं। सर कैसा लग रहा है आपको डाउट काउंटर पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप कहाँ के हो बेटा? सर हरियाणा से। थैंक यू। तो ये सब साथ के हमारे लगे हुए हैं इधर, हमारे बहुत ही मजबूत प्लेयर। सर अंदर सर क्या कहना चाहेंगे? बस अब जान झोंक दो। और 500 लोग अंजनी पुत्र, 500 लोग लाइव पे जुड़े हैं अपने साथ इस समय। अच्छे से मेहनत करो सबके सब। आप इस इंडस्ट्री में टीचिंग जो लोग करते हैं, माफी चाहता हूँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग इस समय इंडस्ट्री के लोग शाम को पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, कुछ एल्कोहलिक लोग भी इस इंडस्ट्री में हो जाते हैं, एक हम लोग हैं जो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। आप अपने टीचर्स को क्या कहना मैसेज देना चाहते हैं जो इस इंडस्ट्री में अपने आप को पेड सर्वेंट मानते हैं, बच्चों ग्राहक मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बस उनके लिए यही है कि अब एग्जाम टाइम है तो बच्चों के लिए बस सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ बच्चों के लिए है। आप कहाँ से हो बेटा? झुंझुनू से। आप कहाँ से हो बेटा? खाटू श्याम जी से। ये बिल्कुल, ये हमारे इधर हमारे सुखदेव चौधरी सर और ये दो प्लेयर। सुखदेव पुत्र कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। और 550 लोग लाइव पे जुड़े हुए हैं। 550 लोग, बिल्कुल इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है और लास्ट टाइम तक बच्चों के साथ में हम हैं। और निश्चित रूप से बच्चों के जोश और जुनून को देख करके ऐसा लगता है कि अब की बार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सीएलसी की तरफ से होगी। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। क्या बात, बच्चों में इतनी पॉजिटिव एनर्जी पहली बार देखने को मिल रही है। और अपने भी रात को 10 बजे आप लोग बैठे भाई, केवल लग रहा है कि अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बात। आप कहाँ के हो बेटा? चूरू तारानगर। कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं सर? और सुन सर एक कोई लाइन बच्चों के लिए? बिल्कुल, देखो कि अंधकार चाहे गहरा हो, सात समंदर पार हो, उजाला सदा ही विजय हुआ है जब सत्य आधार हो। क्या बात है, एक बार क्लिपिंग ताली बजाएं भाई हमारे स्टूडियो के बाद। थैंक यू डियर। ये हमारे बहुत लाडले स्टूडेंट रहे हैं, आप जालंधर NIT पास आउट है। नरेंद्र क्या कहना चाहते हैं इस मेंथ पे? सर वेरी नाइस, काफी अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट मॉर्निंग टू इवनिंग लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, पूरी फैकल्टी सुबह से शाम तक लगी हुई है, बहुत कम होता है कि ऐसा सेटअप मिलता है। थैंक यू। तो ये कुछ साथ प्रभु क्या कहना चाहते हैं, बाबूलाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो नीट के जो सहभागी 2022 से, उनसे एक ही निवेदन है या फिर सलाह है कि हमारे जो दंगल टेस्ट सीरीज है और 5 तारीख से हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 10 दंगल, जो 10 दंगल के पेपर होंगे कंप्लीट NCERT बेस्ड होंगे, पूरे सिलेबस से गो थ्रू कराएगी CLC और CLC प्लेटफॉर्म के जो हमारा लाइव डिजिटल लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप उन सारे पेपर के सॉल्यूशंस देख सकते हैं और इस यज्ञ में अपने आहुति दे सकते हैं और बहुत अच्छे से आप नीट की स्कोर को बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं CLC के साथ। कोई भी जो स्टूडेंट्स है 2022 का वो हमारे साथ जुड़ सकता है, निस्वार्थ उन सबकी सहायता की जाएगी, सभी बच्चों के बाहर डाउट काउंटर है और अंदर कमरों में बैठे ऐसे करीब 25 कमरों में बच्चे बैठे हैं, एक बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ है और ये लोग 7 बजे आए हैं, रात को 12:15 बजे आएंगे और ये अपना एक कहते हैं अपना भविष्य बना रहे हैं। यहाँ पर कहना बहुत आसान है साहब, इस लोहे की बेंच 5 घंटे कोई बैठता है वो किसी सात्विक संत से, निश्चित रूप से ऐसे 20-22 रूम में बच्चे बैठे हुए हैं, 18-22 का 25 रूम कह सकता हूँ राउंड फिगर में बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं इस लाइव को समाप्ति की ओर लेके जाऊं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल से हमारे दंगल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे सीकर में मजबूरी है कि सिटिंग व्यवस्था कारण हमें 2 बार में करना पड़ रहा है उसको, एक 2 बजे से है, दूसरा 5:30 बजे से है। वो 10 दंगल करवाएंगे, 10 मेजर दुनिया की कोई कोचिंग नहीं करवाती है, दुनिया की कोई कोचिंग 10 मेजर नहीं करवाती है। तो जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो और अच्छी मेहनत करे। और दोस्तों अभी भी कोई लड़का किसी भी कोचिंग का है अपने तैयारी को बहुत
अमली जमा पाना चाहता है तो सीएलसी के मेजर की दंगल टेस्ट ज्वाइन कर ले। और इन सभी के वीडियो सॉल्यूशन शाम को ठीक 8 बजे आप हमारे सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे। कितने बजे? 9 बजे। यस नो सॉरी 9 बजे हमारे श्रीराम जी रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे इन सब के वीडियो सॉल्यूशन आएंगे। ये दोस्तों मस्ती है, 1 मई से लगे थे, मई जून और जुलाई मतलब पूरा 2.5 महीने ये एक अच्छा काम पूरी टीम ने किया। और सीएलसी वाकई टीम है, यहाँ आज काफी लोग हमारे एबसेंट भी है, उसके बाद कुछ लोग विसा घर भी निकल गए, ठीक है ना। जैसे हमारे प्रमोद ढाका है वो छुट्टी पे, उनके भाई की सगाई थी, हमारे केशव भी छुट्टी पे है, एक दो साथी हमारे वो भी छुट्टी पे है। 3 दिन का हमारा पूरा कैंप जिसका था, फिर अगले 3 दिन हम लोग केमिस्ट्री पे काम करेंगे, फिर बायो पे काम करेंगे और पूरा कोर्स हमारा हुआ हुआ है डीसीएम के थ्रू। 10 मार्च को हम लोग शुरू हुए थे, 25 टेस्ट हमने बायो के कराए, 25 टेस्ट हमने केमिस्ट्री के कराए, 16 टेस्ट इको फिजिक्स करवाए, फिर 42 डीसीएम कराए, डीसीएम का मतलब 14 फिजिक्स के कराए, 14 केमिस्ट्री कराए, 14 बायोलॉजी कराए, बीच में हमने उसमें 4 में 6 मेजर टेस्ट करवाए और अब लास्ट में 10 दंगल के नाम पे मेजर टेस्ट करवाएंगे। दोस्तों कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, जी भाई कोई कैसे भी ला सकता है, जो तो लोग किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो वर्क हो रहा है ना इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। काम करना कहना बहुत आसान है, ये सब कुछ आपके सील से दोस्तों किया है। गेट खुला हुआ है बालकनी का तो रात का नजारा दोस्तों बाहर का देखा।